गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं सुबह यानी हो गई हूँ रेडी, आपको दिख रही होंगी कंप्लीट। और कल भी मैंने पिन लगा के साड़ी पहनी थी और आज भी मैंने पिन लगा के साड़ी पहनी है, तो देख सकते हैं कैसी लग रही है। ज्योति तो बोल रही थी बहुत अच्छी लग रही है। चलो, मुझे थोड़ी कम पसंद है क्योंकि मैं फ्री पहनती हूँ ना, इसलिए। तो आज मुझे जाना है मेरे सारे साड़ी और ब्लाउज़ को फोलो पिको और ब्लाउज़ सिलवाने के लिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स भी बनाने हैं, इसलिए। तो आज जाएंगे और अभी मैं खाना वगैरह बना देती हूँ, फिर जाना है शॉप पर। तो शॉप पर जाके फिर जाएंगे, अभी चलते हैं। चलिए शॉप पर, और मैं जो भी साड़ियाँ वगैरह हैं वो ले लेती हूँ, फॉल पिको करने के लिए देनी है, और कुछ चीज़ें को रिपेयर भी करनी है तो वो भी दे देती हूँ। और एक साड़ी पड़ी है शॉप पर तो वो भी ले लेती हूँ। नौ पंचाल ज्वेलर्स की थैली, यानी सॉरी पॉलीथीन। तो चलिए चलते हैं। Wearing a mask, must compulsory. लाइटें हैं नहीं और इतनी गर्मी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से एक घंटा हो गया लाइटें गई है। कस्टमर भी आए थे, एक दो जनों को तो मना बोल दिया लाइटें नहीं हैं इसलिए, क्योंकि और लाइटें नहीं है तो इन्वर्टर था, तो इन्वर्टर हो गया ख़राब, यानी बैटरीज हो गई ख़राब। अब बैटरीज कब तक आएगी क्या पता। और पीछे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने फ़ोन कर रखा, शूट भी मैं क्या करूँ, कुछ शूट ही नहीं कर पाऊँगी, गर्मी इतनी है और लाइटें भी नहीं है, कम पड़ रही थी तो। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बैठना बड़ा मुश्किल हो गया। आप देख सकते हो कितना पसीना हो रहा है मेरे को, और सब थक करके मैंने चिकू को बुला दिया है। और ये है हमारा स्टॉक रूम, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, यहाँ पर सफाई की हमने। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरे हाल हो गए बेहाल। मैं इतनी लोग कभी भी व्लॉग नहीं करती हूँ, कभी तबीयत ख़राब है तो ठीक है, पर ऐसे तो मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा बेहाल हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। कब आएगी बैटरी और ये लाइट्स क्यों चली गई है क्या बता। आज ना बारिश है ना मौसम ख़राब है, कुछ भी नहीं, कब से लाइट गई है। तीन घंटे मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया है इस चक्कर में, मैंने शॉप पे आके कुछ भी व्लॉग नहीं किया। कस्टमर एक आया था तो कस्टमर को भी हमने पीछे OTS में ले जाके वहाँ पर सब उसका काम किया। बहुत परेशानी हो रही है, क्या पता लाइटों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और कम पड़ रहा था तो कुछ टाइम पास हो गए, फ़ोन भी डेड हो गया, बिल्कुल डेड। अब घर जाऊंगी तो चार्ज कर पाऊंगी, और वैसे टाइम भी हो गया। टाइम क्या हो रहा है, साढ़े पाँच लगभग होने आ गई है। मैं जाऊंगी तब तक साढ़े पाँच हो जाएगी, घर पे चली जाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि गर्मी से मैं ज़्यादा बेहाल हो गई, पानी देना। और घर आज साड़ी भी मैंने सिंथेटिक पहनी, मेरे को इसलिए सिंथेटिक साड़ियाँ नहीं पहनने की होती, जब भी पहनती हूँ तब लाइटें चली जाती है और इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है फिर इन साड़ियों में। कॉटन की साड़ियाँ कम से कम हैंडल करनी तो ईजी रहती है, उसमें गर्मी भी कम लगती है। अभी ये इतनी चिप 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 ऐसी हो रही है, बहुत बेकार हो रही है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। लाइटें कब आएगी, कब से साड़ी से हवा कर करके थक गई हूँ, क्या हवा आएगी इससे। और मक्खियाँ भी इतनी परेशान कर रही है, गेट खोल दिया इसलिए मक्खी आ गई है। अभी गई थी साड़ी और ब्लाउज़ सिलवाने के लिए चिकू के साथ, वो तो करवा के आ गई हूँ, अब फ़ोन पे समझा दूँगी कैसे क्या सिलना। ये भी हमारी ज्योति, इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, परेशान हो रही है ये भी, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। मैं सो गई थी यहीं बैठे बैठे, और अभी मैं कुछ चिकू लेने आए, कितने बजे, साढ़े पाँच बजे फिक्स है, साढ़े पाँच बजे ही लेने आए। 10 मिनट बोला था, जब 5:10 हो रही थी तब। अब चलो 20 मिनट की नींद होगी, मेरे घर जाके मैं थोड़ी देर सोऊंगी। क्या ज़ोरदार गर्मी लग रही है, ज़बरदस्त। चलिए चलते हैं घर पे, ये आ गए हैं घर पे। थैंक यू, आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। घर पर आ गई थी और घर पर फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, और गई थी मैं भाभी की शॉप पर, मुझे कुछ काम था इसलिए। उनका है हैंडलूम स्टोर, और वहाँ से मिलाई हूँ एक साड़ी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और अभी मैं खिचड़ी की कर रही हूँ तैयारी, खिचड़ी के लिए मैंने भिगा दिए हैं चावल
और यहाँ पर कट हो रहे हैं अनियन। खिचड़ी तो ये बन गई है हमारी, यानी पक रहे हैं चावल। और अब मैं बना देती हूँ सुबह का पड़ा हुआ आटा, तो दो तीन पराठे बना देती हूँ। मम्मी और हम दोनों के लिए ही बनाना है इसलिए, तो दो तीन पराठे बना देती हूँ तो खाने में सही रहेगा, और पापड़ सेक देंगे। ये खाना भी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सीख गए हैं पापड़, क्योंकि पापड़ ऐसे इसके साथ तवी पे सेके बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऑयल करते हुए। तो डिनर हो गया है कम्प्लीट, बस खाना बाकी है, वो भी मैं आपको प्लेटिंग करके बता दूँगी। थोड़ा सा धनिया, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, और गार्निशिंग करते हैं उसके तो भी बहुत अच्छा लगता है। ये रही हमारी खिचड़ी, और अब मैं आपको प्लेटिंग करने के बाद मिलती हूँ। ये रही मेरी और मम्मी की प्लेट, इसके ऊपर डाल दूंगी मैं घी, घी भी निकाल देती हूँ। खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। खाना खा लिया है, अब ये प्लेट रख देते हैं अंदर, पानी पी लेते हैं और स्टैंड वगैरह क्लीन कर देते हैं। चलो मैं खिचड़ी जानबूझकर ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए। स्टैंड हो गया है क्लीन, अब आ जाती है हमारे कपड़े चेंज करने की बारी। और जो भी मेरा नाइट रूटीन है, मेरा नाइट रूटीन, अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरा नाइट रूटीन है, मैं रात को फेस वॉश करती हूँ और रेगुलर ब्रश भी करती हूँ, क्योंकि ये मस्ट है। इसलिए आपको भी करना चाहिए अगर नहीं कर रहे हो, मेरे को जब से कर रहे हो तब से सही लग रहा है इसलिए। और रात को करती हूँ मैं यूज़ मेरी मिशेल की नाइट क्रीम, वो भी मैं अक्सर मेरे व्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग रेगुलर देख रहे हो तो। तो अब मैं कर लेती हूँ चेंज और फिर आपसे मिलते हैं। अभी हो गए हैं कपड़े वगैरह चेंज, और मेरी वीडियो हो गई है एडिट, और अभी हो रही है रेंडर। रेंडर होने के बाद हो जाएगी अपलोड, जो कि आपको कल नहीं, यानी इससे पहले वाली वीडियो जो दिखेगी वो। और कल है गुरु पूर्णिमा, ये मेरा व्लॉग आएगा लेट, तो अभी मैं ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी, क्योंकि कल है मेरा उपवास। गुरु पूर्णिमा मैं हर साल उपवास रखती हूँ, क्योंकि मैंने, चिकू ने, मम्मी ने, पापा ने, हम सब जनों ने, यानी गुरु दीक्षा ले रखी है इसलिए। और शुरू से करते हैं हम लोग, यानी मम्मी के घर पे मैं जब थी ना, जब शादी नहीं हुई थी तब भी हम लोग करते थे, वहाँ पर मम्मी पापा लोग करते थे तो हम भी करते थे। पर हम क्यों करते थे, वो फलाहार खाने के लालच में। पर अब यानी उस चीज़ का रियल मीन पता चलता है कि क्यों किया जाता है। और मैं कल वो यानी उपवास रखूँगी, तो वो दिन भी आपके साथ शेयर होगा ही, ऑफकोर्स, क्यों नहीं। तो यही, और अभी मैं लगाऊंगी मेरी नाइट क्रीम एंड अब मैं सो जाऊंगी, क्योंकि कल की रात जो थी वो
मैं सही से सो ही नहीं पाई थी क्योंकि चिकू गए थे गश्त लगाने के लिए और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। सब आसपास आवाज़ें सुनाई दे रही थी बहुत ज़्यादा, यानी कई कुत्ते भोंग रहे कुछ, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए। और आज मैं अच्छे से सोऊंगी आई होप, क्योंकि मुझे नींद आने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिए मुझे एकदम साइलेंट चाहिए। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। और हाँ, शॉप करो पर ऑफर स्टार्ट हो गया है तो आप जाके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और अगर आपको ऑफर्स के बारे में और भी कुछ डिटेल्स जाननी हो तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हो शॉप करो पर, या फिर मुझे भी कर सकते हो तो मैं आपको ऑफर का पिक सेंड कर दूँगी। ओके बाय।